नमस्ते स्तु महामाये श्री पीठे सुर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी आदि शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते। विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमन तथा दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप सब प्रसन्न रहें, दीपावली को खूब अच्छे से मनाएं, यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। आपको मैंने पहले भी बताया था महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी है कालिका, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप। तो आप इन तीनों की साधना करें तो हमेशा ही प्रसन्न रहेंगे। वैसे आप सब में से बहुत लोगों को ये जानकारी होगी कि दीपावली क्यों मनाते हैं। जब राजा रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे, रावण का संहार करके आए थे, दुष्टता का संहार करके आए थे, अयोध्या में जब उन्होंने प्रवेश किया था तब दीपावली मनाई गई थी। पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा शहर सब प्रसन्नता से दीप जला करके अपनी प्रसन्नता को उन्होंने दर्शाया, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया कि हम कितने खुश हैं आपके आने से। अब आपको मैं इसका वैज्ञानिक स्वरूप बताती हूँ। वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? चातुर्मास में जब इतनी बरसात होती है तो जगह जगह पर पानी का जमाव हो जाता है, कीचड़ हो जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, कीट पतंगे उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अभी तो आपने डेंगू मलेरिया सबके विषय में सुना ही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छर के काटने से और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के काटने से हो जाती है। तो दीप जलाने का तात्पर्य ये है, आपको मैंने बताया कि तुला में जब सूर्य चले जाते हैं तो प्रकाश रश्मियां सूर्य की कम हो जाती हैं। वैसे तो सूर्य के प्रकाश में कुछ भी बुरा टिक नहीं पाता, लेकिन सूर्य के प्रकाश रश्मियां कमजोर हो जाने के कारण, निर्बल हो जाने के कारण जो कीटाणुओं को मारने की शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए जब हम दीप जलाते हैं तो रात को जितने भी कीट पतंगे हैं, जितने भी विषाणु कीटाणु हैं, वो सब उसमें आकर के जल जाते हैं। कई जगहों पे तो दिवाली से पहले यम दीपावली से ही दीप का जलावन प्रारंभ हो जाता है, दीप को जलाना। इसके साथ ही कई जगह पर बांस की खपच्ची में भी दीप जलाते हैं ताकि दूर दूर से आकर के पतंगे उसमें मर जाएं। और कई जगहों पर तो कार्तिक पूर्णिमा तक लोग दीप जलाते हैं और कार्तिक के महीने में आकाश दीप भी जलाते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो केवल सीधा साधा तात्पर्य यह है कि जो कीट पतंगे हैं उनसे हमारी मुक्ति हो जाए और हम सही प्रकार से अपने जीवन को जी सके। देखिए इसमें सुंदरता क्या है, एक तो दीप को देखने से ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसके साथ में बीमारियों का क्षय हो जाता है तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि बताइए कि दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, कब शुभ मुहूर्त है और कैसे पूजन करना चाहिए। तो देखिए देशाचार कुल व्यवहार, देश में जो आचरण हो उसको करना चाहिए और कुल में जो व्यवहार हो, जिस प्रकार से भी आपके यहाँ पूजा हो रही हो उस प्रकार से आप उसको करें। साथ ही मुहूर्त की बात मैं आपसे करूं तो लक्ष्मी पूजन का महत्व स्थिर लग्न में बहुत ही शुभ माना जाता है। स्थिर लग्न कौन सा? पहले तो वृष लग्न होता है जो काशी में अभी
6:11 से प्रारंभ होगा और 8:14 पे समाप्त हो जाएगा। उसके साथ ही निशीथ पूजा होती है रात्रि में सिंह राशि के समय पर, जो आपका 12:42 से शुरू होगा और 2:56 पर हो जाएगा समाप्त। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपसे वृष राशि में, जो वृष का नवमांश है उसको सबसे शुभ माना गया है लक्ष्मी पूजन के लिए, दीप जलाने के लिए। पूजा की तैयारी तो आप पहले से कर सकते हैं, लेकिन पूजा कब प्रारंभ करें इसकी बात मैं आपको अभी बता रही हूँ। दिल्ली में 7:28 पर दीप जलाएं, जो 7:41 तक शुभ मुहूर्त होगा उसका। 13 का एक नवमांश है। बॉम्बे में 7:45 से 7:58 का शुभ मुहूर्त है दीप जलाने के लिए। पूजा प्रारंभ आप कभी भी करें, दीप इस समय पे जलाएं और उसके बाद में समापन तो आप कभी भी कर सकते हैं। कलकत्ता में 6:42 से लेकर के 6:57 तक। चेन्नई अर्थात मद्रास में 7:15 से 7:28 और पटना, क्योंकि मैं वहां की हूँ इसलिए 6:55 से लेकर के 7:08 तक का शुभ मुहूर्त है। ये जो मैंने आपको समय बताया ये शाम का समय है, क्योंकि दीपोत्सव शाम को ही होता है, ये तो आपको मालूम है। शाम को ही दीपावली मनाई जाती है, शाम को ही दीपक, क्योंकि सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है और संध्या को पूजा होती है। आप सब परिवार के साथ में, शुभता के साथ में फल मिठाई लेकर के, जो भी आपके यहाँ होता हो सब करके इस त्योहार को मनाएं, प्रसन्न रहें और हमेशा ही साल भर आपके यहाँ शक्ति अर्थात शारीरिक शक्ति, लक्ष्मी अर्थात धन और सरस्वती अर्थात सद्बुद्धि बनी रहे और अगले साल फिर आप शुभता से दिवाली को मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। तब तक के लिए आपको नमस्कार, स्टे ट्यून, फिर हम आपसे मिलेंगे।